सुनवाई अभी बाकी होनी है, अभी हफ्ते 10 दिन में उस पर होगी। लेकिन जो हमारा दूसरा बेस्ट ऑप्शन था, जो हम लोग चाहते थे कि अगर ये नहीं तो वो नहीं, बड़ी खुशी की बात है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो केस जो विक्टिम की तरफ से किया गया था, जो विक्टिम की फैमिली को हाईजैक करके, उसके जो इंटेंशंस थी वो भी उनकी धराशायी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ केस ट्रांसफ़र नहीं किया। और जो उनकी ये एक इच्छा थी कि चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो जाए और 15-20 साल तक केस चलता रहे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इच्छा को ध्वस्त किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होगी, दिन प्रतिदिन ये केस चलेगा, एक एक दिन इस केस पे सुनवाई होगी, जिससे 15-20 साल का जो प्रोसेस था 1 या 1.5 साल में सिमट के रह गया है। और अगर ये ट्रायल चलता भी है तो कुछ ही महीनों में इन जो एक्यूज हैं उनकी बेल के लिए भी एप्लीकेशन मूव हो सके लिए जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो समयबद्ध तरीके में सीबीआई जांच के आदेश दें। उसके ऊपर कार्रवाई वॉर फ्रंट पे चल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे टीम्स गठित हो चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सीबीआई के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और मैं पूरी उम्मीद है कि बीसीआई की रिपोर्ट देखने के बाद, जी न्यूज़ का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखने के बाद, उस एसआईटी में जो टेंटेड ऑफिसर्स हैं उनका रिकॉर्ड देखने के बाद, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिशियंस की रिपोर्ट देखने के बाद, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द करेगा। एक भ्रांति मैं आपको आपके माध्यम से जो लोगों में फैली है वो हटाना चाहता हूँ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को लेके आर्ग्यूमेंट सुने, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को लेके कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सुना, उस विषय को पोस्टपोन किया किसी और डेट पे सुनवाई के लिए, जो एक अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू होगा, जिसमें एक फ्रेश रिट पिटीशन फाइल की जाएगी। तो मैं एक लोगों को यहाँ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो हम सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो चाहते थे वो हमें मिला। महबूबा मुफ्ती की हार हुई और उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की हार हुई जो यहाँ चंडीगढ़ केस लेना चाहते थे और चाहते थे कि 15-20 साल केस चले। हमारे बगल में केस गया, स्टेट से बाहर केस गया, और फास्ट ट्रैक हुआ 1 से 1.5 साल में। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूँ। आज हमने हिंदू एकता मंच की जो एक बैठक रखी थी, चूँकि कल जो एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके संबंध में जो फर्दर हमारी जो एक रणनीति रहनी है उस पर फैसला करना था। दूसरा, इसमें जो हिंदू एकता मंच के हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं उनके अलावा इसमें प्रोफेसर हरिओम जी, डॉक्टर अजय चंदू जी और अंकुर जी, ये विशेष तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें तो बड़े विस्तार से अंकुर जी ने आपको बताया है कि ठीक है, हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं, हम विशेष तौर से समझते हैं और आपके इस चैनल के इसके माध्यम से जो है वो लोगों तक ये बताना चाहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे बिल्कुल पास ही ब्रांडपुर तो में लगता है जैसे हमारे घर नहीं है, मगर ये महबूबा मुफ्ती के मुंह पर एक बहुत ही चांटा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो एक चाहती थी जहाँ इसका ट्रायल हो। और सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक विश्वास ना प्रकट करना कि ये सरकार इसमें कामयाब नहीं हो सकती कि इसके रहते हुए हमारे स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी जगह पर जो है इसका फेयर ट्रायल होगा, वो तो इसको इस पर जो है इसको भी सोचना चाहिए कि मेरे मुंह पर कितनी ये काली पोती सुप्रीम कोर्ट ने। और जहां जम्मू कश्मीर से हटाकर ये पठानकोट में जो दो ये दूसरी स्टेट में है, मगर हमारे यहाँ लगता है ये पठानकोट हमारा अपना घर है, वहाँ जो एक बड़ा फेयर ट्रायल होगा। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया जैसे मेरे भाई जी ने बताया कि ये बहुत जल्दी होगा, और इसमें चूंकि जो चार्जशीट फाइल की गई है इसमें बहुत सारे लैक्यूनस भी हैं, और बिहार पल्ले ये जो जिनको जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं कहेंगे जो मिथ्या आरोप लगाए गए हैं वो उनको इंसाफ मिलेगा और वो जल्दी ही इस केस से बाहर आएंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि उसको मैं जाने बोलने बता दिया, तो हम समझते कि ये जो फैसला आया है, दो बातें जो मैंने कही हैं, ये एक हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए जितना भी हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनके लिए खुशी की बात है कि इसमें जो न्याय मिलने की जो एक व्यवस्था है वो हमारे मन में उसके प्रति एक विश्वास चल रहा है। और जो हमारी रणनीति है, हमारे लोग जो धरना पर बैठे हैं, हमारे नंबर फास्ट इन टू डेथ बैठे हैं, 31 मार्च से बैठे थे आज तक बैठे हैं, और इसमें जो हिंदू एकता मंच की बैठक में ये फैसला लिया गया कि परसों जो है हम जो और भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के आगे पीछे के जो लोग हैं, सरपंच जी हैं, मोदी लोग हैं, उनको हम एक बड़े रिस्पेक्ट तरीके से उनको कॉल कर रहे हैं वो उसमें आए। और चूंकि ये जो हमारा फैसला इनको
पास इन टू डेथ जो है इनका जो बैठे हैं इनको वहाँ से इनको उठाएँ। और जो अगली रणनीति हमारी जो है लोग, चूँकि जो रणनीति अगली जो भी बननी है, जो इस सरकार में जो महबूबा मुफ्ती के जो मन में जो एक सेपरेटिस्ट के ईरानी के कहने पर या जो जहाँ के लोग जो यहाँ इस पूरे वातावरण को हमारे एक शांत क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, हमारे लोगों में इस जिस प्रकार से उन्होंने एक डिमारलाइज किया, एक जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किए, चार्जशीट फाइल किए, हमें सबको लगता है और ये वास्तविक में ठीक भी है कि ये एक हमारे लोगों को जहाँ से जिस प्रकार का एक जहाँ का माहौल को एक डिस्टर्ब करना था, हमारे लोग जिस प्रकार से कश्मीर से भागे थे, जहाँ से भगाने का एक षड्यंत्र भी है, इसमें मैं क्या, मेरे जो पूरे साथी हैं वो कन्विंस्ड हैं, उनके ये मनसूबे ये कामयाब रहा हो, हमारे लोगों में एक विश्वास ही क्या जगह रहे, हम हमारे पूरे जो हौसले बुलंद रहे, इन जो जो इलगाववादी ताकते हैं इनके बातों को, इनके षड्यंत्र को कामयाब होने दें, और हमें लोगों को जो है जो राष्ट्रभक्त जनता है, जहाँ की देशभक्त जनता है, हम पूरे जो है ये कश्मीर, जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज है, इनके मनसूबे को कामयाब होने, हम जहाँ पर रहें डट के रहें, जो हमारा हिंदुस्तान का जो पूरा ये जो एक अटूट अंग है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, हमारे लोगों में विश्वास जगह रहे, हम घर घर जाकर, गाँव गाँव जाकर लोगों को जागृत करेंगे, और जो कुछ भी संभव होगा अपने समाज के लिए, जो कुछ भी संभव होगा वो करेंगे, फाइट करेंगे। और लोगों से मैं मतलब एक अल्टीमेटली ये अपील करना चाहूँगा कि आपका जो साथ है, आपका जो कोऑपरेशन है, जो हिंदू एकता मंच के साथ, जो समाज के साथ जिस प्रकार से आपने सहयोग किया है, अगर चूँकि ये जो एक अस्तित्व की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके जो मनसूबे रहे हैं, हमें जो है एक पूरी तरह से एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा, और अपना जो काम काज है उसमें भी उसमें से समय निकाल कर हम एक आवाज में, जब पूरी बुलंद आवाज में ये कहेंगे कि हम एक हैं, हमारा जो कोई भी जो है भोपाल भाका नहीं कर सकता, तभी हम पूरे जहाँ एक स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ रह सकते हैं, और इनके मनसूबे काम नाम जय होंगे, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो, उसका हम स्वागत करते हैं कि जो हमारा केस शिफ्ट पठानकोट में हुआ और महबूबा जी उसको श्रीनगर और या बनिहाल में या पता नहीं कहाँ शिफ्ट करना चाहती थी, रामबन में, उसके लिए हमारे सारे हिंदू एकता मंच सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता है। बाकी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने षड्यंत्र जो रचा था कि रसाना के लोगों को फांसी देने का, तो हम लोगों से वादा करते हैं, वो सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि अपने लोगों को फांसी नहीं लगने देंगे, चाहे किसी हद तक भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे। बाकी जो हमारे साथियों ने जहां मरण व्रत रखा है, 7-7, 8-8 किलो उनका वजन कम हुआ है, 1.5 महीने से वो जो मरण व्रत पे बैठे हैं लोग, कल का फैसला देखते हुए हम उनका मरण व्रत वो खुलवाएंगे, और परसों सारे लोग इकट्ठे होके, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग हम इकट्ठे होके कूटा से हम उनको रसाना छोड़े जाएंगे, तो छाना बिछाना हम सब लोग जहां इकट्ठे 10 बजे इकट्ठे होके और उनको इज्जत से अपने घर छोड़ने जाएंगे, कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है, उन्होंने जो हमारे समाज के लिए बातें की है, उन्होंने जो जम्मू में हमारे जीत का लक्ष्य साधा है, और हमारे जो साथी जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे जम्मू में साथ दिया है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और खास करके अंकुर जी जो दिल्ली में लड़ाई लड़ने के लिए हमारे के लिए गए थे और वहां से डट के वो उन्होंने मुकाबला किया, और हम जैसे उन्होंने बताया कि हमारे हमने 70-75% जो केस वो जीत लिया है, कुछ लड़ाई बाकी है, उसके लिए हमने डट के मुकाबला करना है और घर घर जाना है, सबको संदेशा दे के हम हिंदू एकता मंच पूरे जम्मू में एक मुठ होके कश्मीरियों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कूटा, कठुआ, सांबा, जाति लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो फ्रूट मिला शुरू हो गया। ये महबूबा मुफ्ती जो हमारे मुंह पे काल पोथना चाहती थी,
दिल्ली का साथ लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि आज हम कह सकते हैं कि जहां के लोग जीते, रसाना की वार हम जीत रहे हैं। और वो चाहती थी कि वो रसाना को जीत जाए, जहां से लोगों को खदेड़ दिया जाए, उसी का जबरदस्त हार हुई है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठुआ में जब केस अफसान को जाना, ये आपकी ये बहुत बड़ी जीत है। वो तो चाहते थे, जैसे अंकुर जी ने बोला, कि रामपा ले जाएंगे इस केस को जहां पहुंच ही नहीं पाए और अपनी मनमानी करें, या चंडीगढ़ को ले जाएं जहां पे हमारी सुनवाई ना हो। तो हम हर तरह से कह सकते हैं कि जो कल का फैसला है, जो जहां के लोगों ने स्ट्रगल की, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और मैं तो यही चाहता हूं कि परसों जो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जब ये धरना उठाया जाएगा तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे आप, क्योंकि हम आप जहाँ से उठना नो, परसों का दिन जो है इट विल बी ए डे ऑफ सेलिब्रेशन, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद एक बड़ी लड़ाई जो है उसकी तैयारी भी हमने करनी है। तो परसों एक बड़ा फंक्शन होगा जहाँ सेलिब्रेशन की जाएगी, और उसके बाद जो है हम बड़ी लड़ाई की तैयारी। और इन्होंने बताया है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, कि केस ट्रांसफ़र हुआ है पठानकोट, और साथ में ही फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जी जो चाहती थी कि ये केस रामबन में ट्रांसफ़र हो, उस पर भी उनको शिकस्त मिली है। पर अभी जो सीबीआई इंक्वायरी करवाने की बात है, कल उस पर चर्चा नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी इन्होंने पीआईएल तैयार कर दी है, 4-5 दिन में वो फाइल हो जाएगी। और हमारी जो अगली लड़ाई है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाने की है, वो करवा के रहेंगे जैसे इन्होंने बताया है। उसके लिए हम लोगों को बढ़ चढ़ कर आंदोलन भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई अंकुर जी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो हम लोगों को करनी है, क्योंकि जो रसाना इशू 3 महीने से स्ट्राइक चल रही है, बहुत बड़ा फायदा हुआ है हमें यहाँ इस इलाके में, हमारी सोसाइटी एकजुट हुई है। और जो महबूबा मुफ्ती जी का जो एजेंडा था, वो जो गुपचुप तरीके से जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के मिनट्स निकाल के लागू करना चाहती थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। लोग अवेयर हो गए हैं, और लोगों से अपील है कि इस चीज़ों में खास ध्यान रखें। अब ये लड़ाई डोगरों की है, डोगरा आन बान छान की, कोर्ट में लीगल तरीके से बहुत अच्छी टीम है वो लड़ रही है, लेकिन ग्राउंड पे हमें सरकार के खिलाफ, खासकर ये जो डोगरा विरोधी सरकार जहां काम कर रही है उसके खिलाफ हमने लड़ना है। इसलिए सब लोगों से अपील है कि परसों जब अनशन खुलवाया जाएगा 10 तारीख को, टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप लोग इसमें बड़ी संख्या में आएं, और आगे की भी जो रणनीति तैयार करनी होगी वो करेंगे। ये लड़ाई हमने जीतनी है, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती जी ने, जो हम शुरू से ही कह रहे हैं, ये रेप एंड मर्डर का केस नहीं है, ये इन्होंने इलाके को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ कोई षड्यंत्र जो रचा था, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश सीबीआई इंक्वायरी से होगा, और वो कोर्ट में हमारे वकील लड़ेंगे, सड़कों पे हम लड़ेंगे, लेकिन हम ये सीबीआई इंक्वायरी लेके रहेंगे।